नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। लोहरदगा सदर क्षेत्र के कुटमू स्थित लिवेंस एकेडमी स्कूल के पीछे खेत में लटक रहे 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आने से चिलगा टोली कुटमू निवासी अविनाश भगत, 22 वर्षीय पिता जगदेव भगत की मृत्यु हो गई। दोस्त सुनील उराव ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे दोस्त अविनाश भगत के साथ लिवेंस एकेडमी स्कूल के पीछे वाले खेत में घूमने के दौरान जब वह आगे बढ़ा तो पीछे से करंट की आवाज आई है, जिसके बाद वह पीछे देखा तो उसका दोस्त अविनाश भगत गिरा पड़ा था, जिसके बाद वह एवं आसपास के लोगों को बुलाकर सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं लोगों ने बताया कि काफी दिनों से 11,000 वोल्ट उस खेत में गिरा पड़ा है, इसकी सूद बिजली विभाग नहीं लेती, जिसके कारण आज एक युवक की जान चली गई। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी इसमें देखा जा सकता है। हम लोग बस वहाँ उधर के गए खेत तरफ, खेत से वापस आ रहे थे, हम उससे आगे आगे थे। जैसे हम आगे बढ़े, आवाज किया करंट लगने का, हम मुर्गे देखे तो गिरा हुआ था। बस तो उसको हम उठा के लाने की कोशिश किए, फिर लेकर आए यहाँ तक, तो उसको बैठा के लेकर आए अस्पताल। यहाँ बोल रहा है कि डेड कर गया बोल। क्या नाम हुआ आपका? सुनील राव। जो डेथ किया उसका? अविनाश भगत। लोहरदगा से वीरेंद्र मुंडा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।